Good morning, students. Standard 3rd, subject Hindi. Chapter number 24, Bharatiya Mahine, yani Indian months. हम जो हमें पता है कि आप लोग हम इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं ना, जनवरी फेब्रुवरी हम उसी से चलते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि हमारे भारत के महीने कौन से, यानी कि भारतीय महीने कौन से, वो हम उसके हिंदी में नाम सीखेंगे। आप लोगों को गुजराती में आते हैं, आज हम हिंदी में सीखेंगे। तो वर्ष के भारतीय महीनों के हिंदी नाम इस प्रकार है, ऊपर नंबर दिए गए हैं और नीचे उसका नाम दिया गया है हिंदी में। गुजराती में बोल दे ना, कार्तक, माक्षर, पोष, हाँ वही हमारे भारतीय महीने, तो हम वो हिंदी में सीखेंगे। तो फर्स्ट है कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो ये थे हमारे बारह महीने, भारतीय महीने हैं ये। तो आप लोगों को ये कंठस्थ करने यानी कि याद करने हैं। अब हम उसके देखेंगे स्वाध्याय, पढ़ो और लिखो, यानी कि यहाँ पे महीने के नाम दिए गए हैं, आप लोगों को कॉपी राइट करके नीचे लिखना है, यानी कॉपी राइटिंग में। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर हिंदी महीनों के नाम क्रम में लिखो, यानी कि अभी हम लोगों ने ऊपर इस प्रकार से क्रम में देखे ना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, तो अब आप लोगों को यहाँ पे उसी प्रकार से लिखना है। फर्स्ट पे आता है कार्तिक, सेकेंड में मार्गशीर्ष, पौष, माघ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार से सभी महीनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीन नंबर में खाली जगहों में सही महीने का नाम लिखो, यानी कि यहाँ पे आपको फेस्टिवल दिए गए, तो वो कौन से फेस्टिवल कौन से महीने में आते हैं। अब फर्स्ट है होली का त्योहार, खाली जगह महीने में आता है। अभी होली आएगी तो कौन से महीने में आएगी, फाल्गुन महीने में। नेक्स्ट है रक्षाबंधन का त्योहार, खाली जगह महीने में आता है, तो कौन से महीने में आता है, श्रावण महीने में, जब उस समय पे हमारे शिव भगवान का पूरा महीना होता है ना, उसी समय रक्षाबंधन आती है। नेक्स्ट है दिवाली का त्योहार, खाली जगह महीने में आता है, तो कब आता है, आश्विन महीने में। तो ये जो महीने है वो हमारी चंद्रमा की कला के आधार पे चेंज होते हैं, पूनम अमास के बाद इस प्रकार से चेंज होते हैं हमारे भारतीय महीने। तो ये थे हमारे भारतीय महीने। तो आज का हमारा वर्क इतना ही है, आप लोग ये घर पे बोलोगे ठीक है, और इसका स्वाध्याय भी आप लोग लिखोगे।